आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने फ़ोन में गूगल क्रोम अपडेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रोम अपडेट नहीं हो रहा है। क्रोम अपडेट करने पर आपको पेंडिंग यहाँ पे शो होता है, तो इसे ठीक कैसे करें? तो इसके लिए कैंसल पे क्लिक करिए और प्ले स्टोर से बाहर आइए। उसके बाद आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स ओपन करिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे ऐप्स आएगा, इस पर क्लिक करिए। उसके बाद ऊपर मैनेज ऐप्स आएगा या फिर ऐप मैनेजर आएगा या फिर ऐप मैनेजमेंट आएगा, तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक करिए। तो इन तीनों में से किसी एक नाम से आपके फ़ोन में आ सकता है। हमारे फ़ोन में मैनेज ऐप्स के नाम से है, तो इसे आप ओपन करिए। उसके बाद अब आपके फ़ोन के सारे ऐप यहाँ पे आ रहे हैं, तो अब आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद गूगल प्ले स्टोर आएगा कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे गूगल प्ले स्टोर पे क्लिक करिए। उसके बाद नीचे फोर्स स्टॉप आएगा, इस पे क्लिक करिए। उसके बाद ओके करिए। अब ऊपर स्टोरेज आएगा या फिर स्टोरेज यूसेज आएगा, उसके बाद नीचे क्लियर डेटा करिए। उसके बाद क्लियर ऑल डेटा करिए, यहाँ पे ओके करिए। तो इसका डेटा क्लियर करने से कोई आपका ऐप या फिर कुछ डिलीट नहीं होगा। तो ये करने के बाद आप बैक आइए। उसके बाद एक बार फ्लाइट मोड ऑन करिए। उसके बाद अब फ्लाइट मोड बंद करिए। अब अपने फ़ोन को एक बार बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट करिए। उसके बाद अब चेक करिए आपके फ़ोन में क्रोम अपडेट हो रहा है, यहाँ पे अब पेंडिंग नहीं आएगा। तो कुछ इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम ठीक करें, तो यहाँ पे अब पेंडिंग नहीं आएगा, ये जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब क्रोम अपडेट हो गया है, तो कुछ इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।